गाइस वेलकम बैक टिकटॉक धमाल रिएक्शन विद मी एंड गाइस क्या हाल है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और सो गाइस आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो ऑल ऑफ टिकटॉकर्स जितनी भी खूबसूरत ब्यूटी एंजल आपने इस टिकटॉक को रेट करना है और बताना है इनमें सबसे बेस्ट किसका टिकटॉक है। मैं भी अपने कमेंट्स आपसे शेयर करूंगा, तो देखते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स चेक इट आउट। आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि ये जो अभी मैंने सीजन स्टार्ट किया है ना, इसमें जितने भी टिकटॉकर्स होंगे, जितने भी टिकटॉकर मेल और फीमेल होंगे, उनका रिएक्शन होगा और आपने रेट करके बताना है कि किसका सबसे बेस्ट है वीडियो, और फिर हम उसकी जो है ना बेस्ट बेस्ट वीडियो जितनी भी होंगी ना उसको उठा के उस पर रिएक्शन करेंगे। देखो ये इंसाफ नहीं है, एक जवा है एक हंसी है, जुर्म बराबर का है यारो, जुर्म बराबर का है यारो, लैला को भी पत्थर मारो। भाग गई। सुना है बहुत उदास बैठे हो, कहो तो दिल भेजू खेलने के लिए। थोड़ी आई जीवे मेरा दिल सोनी है, दुनिया ही गई मेरी हिल सोनी है, वेख दी खुदाई तू समझ ना पाई, तेनु भी नहीं जाना कुछ। मेरी शादी हो रही है, ये घर के दरवाजे मुझे कितने याद आएंगे, यूं खुल बंद खुल बंद खुल बंद, इन दरवाजों के खुलने बंद करने में कैसे मेरा बचपन गुजर गया, जवानी गुजर गया, जवानी तो भी है लेकिन ये दरवाजे काम करते हो? टिकटॉक बनाना। किन्ने के लाइक आए हैं तुहानू? तीन। केदे केदे? एक मेरा, एक मेरे घर वाली दा, एक पता नहीं किदा आंदा। तुहाडी स्माइल बहुत सोहनी है। ताई नतीजा लाइक आंदा। जी इनका वैसे ना कंवल अफताब और अलीश ये जो जन्नत मिर्ज़ा का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इनके लाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके फॉलोअर भी हैं बहुत ज़्यादा कमल अफ्ताब के, लेकिन कमल अफ्ताब ऑलरेडी वैसे वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पहले काम कर चुकी हैं, तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस इनसे ज़्यादा है। तो इस मैच में जो मेरा सपोर्ट है वो कमल अफ्ताब को है, जन्नत मिर्ज़ा को इस वजह से थोड़ा सा कम लेटर में भी दूंगा, क्योंकि इनका ज़्यादातर फोकस जो होता है वो होता है मेकअप पे, इनका फोकस होता है ज़्यादातर इन्वायरमेंट को कैच करने में। तो बहुत वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, जन्नत मिर्ज़ा और इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत कमाल की है। तो मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का। एक्चुअली मैं अगर आप मुझे पूछा जाए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेल्ले रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। कुछ ना करो कुछ ना करो हो सके तो हमसे रिश्ता कायम रखना, क्योंकि हम वहाँ काम आते हैं जहाँ सब छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, वैसे ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना हूरमा वीरा और अलिश्बा को, तो अलिश्बा की एक्टिंग उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अलिश्बा का मैंने देखा है कि इसका ओवरऑल जो स्टाइल है ना, हर तरह का मेकअप का स्टाइल, हेयर स्टाइल, क्लॉथ का स्टाइल, ड्रेसिंग, ये वो ओवरऑल उससे बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि हूर महवीरा की जितने भी फुल वीडियोस होती हैं इनकी सिर्फ लिपिंग की वीडियो है, सो दैट्स वाई ये वोट जो मेरा है अलिश्बा को जाता है। तो अलिश्बा का फ़ैन फॉलोइंग पहले से बहुत ज़्यादा, तो एक फ़ैन मैं भी शामिल हो गया। तो ये जो है टिकटॉक धमाल का जो कमेंट सेक्शन है, इसमें आपने ज़रूर बताना है कि आपको इन दोनों में क्या कंपेयरिंग अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगती है। सो लेट्स अगला मूव देखते हैं।
सवाल ही पैदा नहीं होता धोखा खाने का। प्यार अपनी माँ से करके देखो। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा है? लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए? बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो जो हमें पसंद है कौन है कैसा है क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 12। क्या कहा आपने? 12, 12, 1 dozen। 12 बच्चे? एक 12 बच्चे हैं आपके? इतनी हैरत का इजहार मत करो, आराम से ऐसे कहो 12 बच्चे हैं आपके, कहो इस तरह को 12 बच्चे हैं आपके। हाँ, ये तो अच्छा लगा ना जी, तहजीब है इसमें, वो बता भी। ओके, वैसे तो डोली को देखा जाए ना तो डोली की कमाल की वीडियो स्टार्टिंग में बहुत पहले थी, जब से ये इसके साथ वो कंपेयर में दूसरा लड़का क्या उमर बाटप उमर सॉरी सॉरी बट नहीं उमर असद उमर सॉरी असद उमर असद अली से कहते हैं असद अली है, तो तब से यार इनकी कुछ रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर नदीम ने डोली के जो खिलाफ कंपेन चलाई शादी की, उससे इनको बहुत ज़्यादा फेम हुआ, तो इस तरह से इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। अरिका का मैंने देखा ये सिंगल है, अभी इसका किसी लड़के से किसी से कोई टिकटॉक नहीं आया, सो दैट्स वाई इसकी ज़रा फैन फॉलोइंग कम है और लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो मेरा सपोर्ट है कि आप अरिका को भी लाइक करें जितना डोली को करते हैं, तो डोली इस कंपटीशन में 1 पे है। सो लेट्स मूव। एक दी गल्ला दूजे के करे वो वफादार थोड़ी आ, ते जेड़ा गड्डी ते पैसा वेख के बदल जाए वो प्यार थोड़ी आ। You have a boyfriend? Yes. You have a boyfriend? You have a boyfriend? Yes. Yeah? Yes. Still a boyfriend? You still have a boyfriend? Too many guys in my mind, I can't be. यार मेरी तो ये सोच सोच के हंसी आई जा रही है कि छोटे होते हम अपने रिश्तेदारों के घर रहने की जिद करते रहे। यकीन माने इंसान के पास जितनी भी दौलत हो शोहरत हो, इतनी गर्मी में ना दौलत काम आती है ना शोहरत काम आती है। गर्मी का एहसास अल्लाह पाक जरूर करवाता है, लाइट भी चली जाती है, यूपीएस भी बंद हो जाते हैं, फिर गर्मी अपना आप दिखाती है, बाबा जी गर्मी है। मैं 10 तक गिनूंगी, अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं जहर खा लूंगी। oh, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे भी तो गिनो। शुक्र है आपने मुझसे बात तो की। कौन? बाजी उजमा का आ रहा। हाँ जी है। ओ बाजी ओनू तुसी पढ़ा के पैसे ही जाया कीते ने। क्यों? ओ कल टीचर ने पूछा ओ केड़ा जानवर है जेते दांद कोई नहीं होंदे, उठ के कहंदी मेरी दादी। अरे अब मारी। अगर साइलेंट को देखा जाए तो साइलेंट की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, जब से शादी हो गई ना ये जरा इसका वीडियो से डिस्ट्रैक्ट हो गया, सो इस वजह से इसकी रैंकिंग बहुत कम हो रही है। सहरयात उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, तो अभी ओवरऑल अगर इनकी वीडियो में देखा जाए तो सहरयात सब नंबर 1 पे है इस कमेंट में, और इस कंपटीशन में साइलेंट उससे कम है। सो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ये घर के दरवाजे मुझे कितने याद आएंगे, यूं खुल बंद खुल बंद खुल बंद, इन दरवाजों के खुलने बंद करने में कैसे मेरा बचपन गुजर गया जवानी। तेरी औकात है ना उठे रह, ठीक है? बेबी आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ओ मैनू काला तेनू काला ओ मैनू काला ओ तेनू काला ओ मैनू काला तेनू काला ओ मैनू काला 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 का
से पहले, आई लव बेबीज और शादी के बाद। अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावली होगी, बघानी बावली होगी, बघानी बावली। थैंक गॉड स्कूल खुल गए, मैं फिर से पढ़ाई करूंगी। छुट्टी पड़ गई, ओए ओए नानी के जाऊंगा, ओए ओए मजा आ गई, ओए ओए नानी के जाऊंगा, ओए ओए छुट्टी पड़ गई। छुट्टी पड़ गई, ओए ओए ईद आ गई, ओए। यार देखा जाए तो ना, अगर मैं फातिमा फैसल को देखूं और कंपेयर करूं इमरान ज़मान से, तो इमरान ज़मान इज़ सो गुड। अगर देखा जाए तो इमरान ज़मान आती है पूरे लुक में, और ये फातिमा फैसल जो है ये करती है ओनली एक्टिंग। एक्टिंग मीन्स कोई अभी एज ए ड्रामा तौर पे एपिसोड बनाना या छोटा छोटा दो दो पाँच सेकंड का, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है ना वो कम उसको देखते हैं। और पाकिस्तानी अवाम, आप यू नो बेटर दैट कि पाकिस्तानी अवाम किसको ज़्यादा लाइक करती है, फैशन को। और जिसमें गर्ल्स की वीडियो आ जाए वो वीडियो तो फिर होती है भाई। तो अगर इनकी बातों की तरफ नहीं जाना नहीं, ऐसा फातिमा फैसल का जो एक्टिंग स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग इंटरटेन करते हैं फातिमा फैसल को, और इनकी एक्टिंग बहुत कमाल किया है। बहुत सारी वीडियोस में को पार्टनर भी होते हैं, तो इस वजह से वीडियोस ज़्यादा रैंकिंग पे होती हैं। सो लेट्स मूव, इस वीडियो में जो नंबर वन पे है वो है ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। जी हाँ, तो आपने देखा कि इनकी अनमोल और वर्दा की जो कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वर्दा की फैन फॉलोइंग अनमोल से कम है। रीज़न ये है कि अनमोल, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी स्कैंडल वीडियो आने से लोगों की रैंकिंग फ्रंट पेज पे आ जाती है। सो दैट्स वाई अनमोल जो है उसे बहुत ज़्यादा है और जो वर्दा है उसे कम है। वर्दा की अब जो वीडियो आ रही हैं, वो लड़के का नाम नहीं जिसके बड़े बड़े बाल, मुझे नाम उसका जहन से स्किप हो गया, उसके साथ आ रही हैं, तो अभी उससे इसकी रैंकिंग में इजाफा हो रहा है। तो मैं भी होपफुली इन फ्यूचर इसकी भी वीडियो टॉप रैंकिंग पे हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त नंबर फर्स्ट पे सीजन वन में कौन है जी, ये हैं, क्या नाम है इनका, नाम भूल गया, अमल नहीं, नूर, तो जो अनमोल नूर इस नंबर वन पे हैं। इसकी वजह मैंने आपको बता दी है। सो वैसे तो ओवरऑल इनकी ड्रेसिंग भी बहुत कमाल की है, वो ज़्यादा ओपनली शर्ट्स पहनती हैं, ये ज़्यादा टाइट्स पहनती हैं, तो इस वजह से पाकिस्तानी कौम को जानते हैं उन्होंने बेटर दैट। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको डिग्रेड किया जाए। इनकी जो ड्रेसिंग और ड्रेसअप और मेकअप स्टाइल है दोनों का बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फैल फॉर्मली की वजह से वो अभी इस वक्त इससे कम है, तो वो ज़्यादा, सो दैट्स वाई ये रिएक्शन जो मेरा है कमेंट में करूँगा अनमोल नूर को, क्योंकि वो इस वक्त इन सबसे फैन फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा है, लाइक्स में ज़्यादा हैं, और बहुत खूबसूरत भी हैं। वर्दा भी बहुत खूबसूरत है, ये नहीं कह रहे कि वो खूबसूरत नहीं है। लेकिन सो आज के रिएक्शन में ओवरऑल वीडियो में आपको अगर कोई भी रैंकिंग मेरी वजह से अगर यार लगे कि मैंने वो गलत बयान किया, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि टॉप द नंबर वन बेस्ट कौन हो सकता है। तो मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सिर्फ उसी को रिएक्शन में लूँगा, और उसकी जितने भी ओवरऑल वीडियोज़ हैं उसको आपके सामने पेश करूँगा। अगर आज का वीडियो और मेरी रिएक्शन और मेरी बातें आपको अच्छी लगी, तो मेरे इस वीडियो को आपकी लाइक्स और आपके कमेंट की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन पार्ट टू में। आपने बताना है कि कौन सी वीडियो और कैसी है, और कमेंट सेक्शन में ये मत भूलना कि आपने मेरी वीडियो को रेट और कमेंट ज़रूर करने हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो हार्ट और थंब ज़रूर दीजिएगा।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।